अखंडता के लिए पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। पटेल ने अपने पुरुषार्थ के दम पर अंग्रेजों के कूटनीति को सफल नहीं होने दिया और आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक बना हुआ है। वहीं एनआरसी पर पूरे देश को समर्थन देने की अपील की। आपको बता दें कि सरदार पटेल की 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीपीओ पार्क स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे। वहीं कहा कि भारत हमेशा से ही मानवता के लिए शरणार्थी देश रहा है और इसी के तहत दुनिया के कोने कोने में उत्पीड़न के शिकार लोगों को शरण देने के लिए एनआरसी को पूरे देश को समर्थन से करना चाहिए। देश की अखंडता के लिए और देश में घुसपैठियों को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। और भारत की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की सेंध को स्वीकार नहीं करेंगे। एनआरसी के मुद्दे पर भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं पर पूरे देश को एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग और समर्थन देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के उनके संकल्पों के साथ हम सबकी यही श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः भारत माता के इस महान सपूत को उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय